और ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक LTI सिस्टम विथ ट्रांसफर फंक्शन HOS। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो LTI सिस्टम है ये BIBO स्टेबल होगा अगर ROC की वैल्यू ये होगी क्या। तो देखो हम जैसे बात करते हैं प्रैक्टिकल सिस्टम्स की, तो जो भी प्रैक्टिकल रियलाइजेबल सिस्टम्स हैं वो सब कैसे होते हैं, कोजल सिस्टम्स होते हैं। और कोजल कैसे हैं, राइट साइडेड सिग्नल हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि स्टेबिलिटी के लिए या सिस्टम को स्टेबल होने के लिए उसके पोल्स कहाँ पर लाई करने चाहिए, लेफ्ट साइडेड में। मतलब मैं अगर एस डोमेन में प्लॉट करूं यहाँ पर तो पोल्स मेरे कहाँ पर होने चाहिए, लेफ्ट साइडेड। यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। इट मे बी -1, -2, -3। तो पोल्स जो मेरे लेफ्ट साइडेड में होंगे, लेफ्ट साइडेड वाले पोर्शन में होंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे पोल्स लाई करेंगे निगेटिव टी पर, तो वो कैसे सिस्टम होगा, स्टेबल। क्यों? क्योंकि मैं बात करता हूँ कि भाई सिस्टम्स मेरे प्रैक्टिकली कैसे हैं, कोजल सिस्टम्स हैं। कोजल के लिए मतलब अगर पोल मेरा -3 पर भी लाई कर रहा है तो उसकी ROC क्या है, राइट साइडेड है, ठीक है। सिमिलरली वो -2 पर लाई कर रहा है तो भी राइट साइडेड होगा। -1 अगर लेफ्ट हैंड साइड पर पोल लाई करेगा तब भी वो कैसा होगा, मेरा राइट साइडेड होगा, क्योंकि वो कोजल सिस्टम मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और स्टेबिलिटी के लिए पोल्स होने चाहिए मेरे लेफ्ट साइड में, एस डोमेन में, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो सिस्टम मेरा स्टेबल होगा वो कब होगा, जो मेरा जे ओमेगा एक्सिस को इंक्लूड कर रहा होगा। अगर पोल मेरा यहाँ पर ना हो के यहाँ पर होता है, +3 है, +1 है, और कोजल सिस्टम्स हैं तो इनकी भी ROC कैसी होगी, राइट साइडेड होंगी, लेकिन ये स्टेबल नहीं होंगे, ये अनस्टेबल सिस्टम्स होंगे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि फॉर BIBO स्टेबल अगर ROC, इफ़ इट्स ROC इंक्लूड्स द जे ओमेगा एक्सिस, ओनली देन सिस्टम विल बी स्टेबल। तो सिस्टम स्टेबल होने के लिए ROC मस्ट इंक्लूड द जे ओमेगा एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम काफ़ी सारे केसेस भी पढ़ेंगे, जैसे कि कंडीशंस मेरी क्या बनती हैं कि पोल मेरा यहाँ पर लाई कर सकता है राइट हैंड साइड में, ये मेरा +A पॉइंट है, ठीक है। अब अगर ये कोजल होता है तो कोजल के लिए इसकी ROC क्या होगी, राइट साइडेड। तो इस तरह का सिस्टम मेरा कोजल तो होगा लेकिन स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। वहीं पर अगर लेट सपोज मैं इसी को क्या कर दूं, एंटी कोजल कर दूं फंक्शन को, ठीक है ना। अगर इसको मैंने एंटी कोजल किया तो मतलब कि लेफ्ट साइडेड मेरी ROC है, ये एंटी कोजल होगा लेकिन ये क्या होगा, स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसकी ROC किसको इंक्लूड कर रही है, जी ओमेगा एक्सिस को, ठीक है। वहीं पर अगर मैं पोल, लेट सपोज एक केस और ले लेते हैं, मैंने अपना पोल यहाँ पर रखा, ये पॉइंट मेरा -A है, और मैं बोलता हूँ कि ये मेरा कोजल सिस्टम है, तो उसकी ROC क्या होगी, राइट साइडेड भी होगी, ठीक है। तो ये कोजल भी होगा और क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टेबल भी होगा, क्योंकि जी ओमेगा को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि सिस्टम मेरा कोजल भी हो, स्टेबल भी हो, तो जो मेरे पोल्स हैं वो कहाँ लाई करने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस डोमेन, ठीक है, क्लियर। हैंस फॉर BIBO स्टेबल ROC मस्ट इंक्लूड द जी ओमेगा एक्सिस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है इस असाइनमेंट का, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ X(t) इज X(s)। अब हमें एक X(t) मेरे पास इनपुट सिग्नल है जिसका लैपलास ट्रांसफॉर्म कितना है, X(s) है, ठीक है। तो मैं अगर उसमें स्केलिंग कर दूं, X(at) मैं करूं, तो उसका मुझे क्या लैपलास ट्रांसफॉर्म मुझे मिलेगा, तो देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। हालांकि X(at) निकालते हैं तो 1/(mod(a)x(s)y आता है, बट चूंकि मुझे ऑप्शंस फिट करने हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो फिर मुझे बेसिक फॉर्मूले से रियलाइज करना पड़ेगा। वो क्या कि मैं जानता हूँ -a+∞ (x)(t)-st(dt) होता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पुट टी को पुट कर देता हूँ at, क्योंकि मैंने स्केलिंग किया है। तो उस केस में मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करूँगा, मेरा क्या लैपलास ट्रांसफॉर्म आएगा नया, x'h = ∫ -a+∞। अभी वैल्यू देख लेते हैं कहाँ से कहाँ जाएगा, इंटीग्रेशन आएगा x(of), मैं क्या करता हूँ उसको यहाँ पर मैंने पुट कर दिया x(at), ठीक है। दिस इज e^(-st)dt, और ये वैल्यू भी मेरी -a+∞ ही है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट tau = at, यहाँ तो मैंने रिप्लेस किया है टी को at से, स्केलिंग की थी, तो x's = ∫, अभी रेंज देख लेंगे कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा x(tau)-, अब यहाँ से मैं अगर t की वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या होगा, tau by a, तो s/a (tau) हो जाएगा, और dt की वैल्यू क्या जाएगी, d tau by a, ठीक है। लिमिट्स की बात कर लेते हैं, लिमिट्स क्या होंगी, अगर t की वैल्यू -∞ है तो tau भी -∞ होना चाहिए, बट
उसने क्वेश्चन में क्या बोला, फोर ए लेस देन ज़ीरो, मतलब ए की वैल्यू क्या है, निगेटिव है यहाँ पर, तो यहाँ पर वैल्यू ए की क्या है, माइनस थ्री मान के चलते हैं, ठीक है। तो जब टी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट कर रहा हूँ, माइनस माइनस इन्फिनिटी, माइनस ए की वैल्यू भी निगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे टाओ की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस इन्फिनिटी मिलेगी, फोर टी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो मतलब रेंज क्या हो जाएगी मेरी, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। जब मैं टी की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी पुट करूँगा तो टी की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन एक माइनस ए से आया है क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो, निगेटिव वैल्यू है, तो वैल्यू मुझे टाओ की क्या मिलेगी, माइनस इन्फिनिटी। तो टी इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी पर प्लस इन्फिनिटी मिलेगा और प्लस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है। तो मेरी प्लस इन्फिनिटी से रेंज क्या हो गई, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक माइनस कॉमन बाहर निकाल सकता हूँ और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस से प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाओ ई की पावर माइनस एस बाई ए टाओ इंटू डी टाओ, और वन बाई ए को मैंने क्या लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। दिस इज माई एक्स डैश एस, डैश का मतलब है न्यू लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो उसको मैं लिख सकता हूँ माइनस वन अपॉन ए, और इसको अगर मैं कंपेयर करूँ ध्यान से फ्रॉम इक्वेशन वन, तो x ऑफ टाओ ए की पावर माइनस एस टी, ये x ऑफ s, अब यहाँ पे s में क्या हो गया चेंज, s बाई ए हुआ, तो मतलब ये मेरा लैपलास ट्रांसफॉर्म किसका आया, s बाई ए का, ठीक है। वेरिएबल तो मैं चेंज कर सकता हूँ, टाओ को रिप्लेस अगर मैं t से कर दूँ, इससे कंपेयर कराऊँ इक्वेशन को, तो ये किसका लैपलास ट्रांसफॉर्म मुझे दे रहा है, s बाई ए का, क्लियर। तो आंसर क्या आएगा, x जो न्यू लैपलास ट्रांसफॉर्म आएगा जिसको मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क माना था, उसको मैं लिख लेता हूँ x डैश h, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, माइनस वन अपॉन ए एक्स ऑफ एस बाई ए, हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने 10 क्वेश्चंस देख लिए, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर असाइनमेंट नंबर 4। फॉर फर्दर अपडेट्स and getting the solutions of further assignments, please subscribe my channel Mitra's Classes, a great place to learn. Thank you.